ये कोर्स करिकुलम है, अब इसमें आपका अभी तक कोई सवाल है तो मुझे बताइए। जैसे सर हम बीमारी तो डिटेक्ट करना सीख जाएंगे, लेकिन इसमें अगर एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प में हम डाइट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि भाई चलो हम डाइट भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो सर उपाय जो हम देते हैं या फिर रेमेडी कोई मांगता है तो वो किस एनर्जी रोटेशन पे काम करती है, ये एक सवाल आया। जैसे मान लीजिए आपने एक्स वाई जेड उपाय दिया या आपने कुछ बताया कि इस तरह से हम कर सकते हैं, तो वो फिर उसको रिजल्ट कैसे देती है, वो कर्स को मिनिमाइज करती है या प्रायश्चित के रूप में वो कंसिडरेशन होती है, किस तरह से वो जो हम उपाय देते हैं वो काम करते हैं। देखो शॉर्टकट तो कोई नहीं है लाइफ में, है ना, तो शॉर्टकट पहली बार देखो, पहले मेरी बात सुनो, अगर हमने पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहले मेडिकल प्रॉब्लम समझ में तो आनी चाहिए, डायरेक्ट रेमेडियल वाला क्वेश्चन कायदे में तो होना नहीं चाहिए कि डायरेक्ट बोला कि भाई ये दवाई खा लो। मैंने आपको हमेशा एग्जांपल पूरा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में पूरे 2.5-3 महीने आपको यही समझाया, थिंक लाइक अ डॉक्टर, ट्रीट योर क्लाइंट लाइक अ पेशेंट, यू हैव टू बी अ वेरी गुड सर्जन। आपके पास कोई क्लाइंट आया तो पहले आप उसको दवाई एकदम से ही दे दोगे, है ना, आपको ये भी तो देखना है कि उसे प्रॉब्लम जो है, दो तरीके हैं, या तो मैं पहले कुछ प्रिडिक्शन करूँ, मैं मैच करूँ अपनी प्रिडिक्शन से, तो वो भी तो सीखना है आपको। दूसरी बात, क्लाइंट ने खुद ही बोल दिया चलो आपको, आपसे बिना पूछे, तो वो भी तो मैच करना आना चाहिए कि जो बोला है मैं उसकी कुंडली से मैच वो कर भी रहा है नहीं। एकदम से रेमेडी पे जंप मत करो, इसके अंदर देखो उसको ऐसे समझो कि डीएनए वाला पार्ट है तो वो हम माइक्रोलॉजी के थ्रू समझेंगे, मगर जो मेजर जो डीएनए का जो मेन डीएनए एस्ट्रोलॉजी जो आएगी प्रॉपर, वो इसके बाद है वो, ठीक है। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं एक साथ बहुत कुछ चीज़ें डाल दूंगा तो आपका जो मेन फोकस है ना वो लर्निंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे नहीं रहेगा, ना प्रिडिक्शन पे रहेगा ना डिटेक्शन पे रहेगा, आपको लगेगा बस मुझे दवाई देनी है कैसे भी करके। ऐसे नहीं करना है ना, ये तो बस मैं चाहता तो मैं इसको नेक्स्ट कोर्स में भी रख सकता था कि वो कर्सिस वाला, मगर फिर मुझे लगा कि चलो इसको भी इसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो पहले उत्तर तो समझे, तो डोंट वरी, ठीक है। और कोई सवाल इसके अलावा? सर मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मुझे जब मैंने डिसाइड नहीं किया था तो आई एम नॉट दैट मच कीनली इंटरेस्टेड, बट ये जो आपने इंट्रोडक्टरी क्लास रखा उससे बहुत कुछ, मतलब आधे डॉक्टर बिना डिग्री के हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे आता है मैं आपको सिखा दूं, ठीक है। और लेट्स बी होपफुल कि हम जस्टिफाई करें इस कोर्स को,